बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में एल्विश यादव और आशिका भाटिया के वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री करने से पूरे घर का माहौल बदल गया है। इस हफ्ते एल्विश यादव को लेकर घर में सबसे ज्यादा बहस हुई। एल्विश यादव ने अपने अलहड़पन से पहले ही हफ्ते में ऑडियंस को इम्प्रेस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। वीकेंड का वार में सलमान खान ने पूरा गुस्सा जिया शंकर पर उतार दिया। सलमान खान ने जिया को खूब फटकार लगाई। जिया ने डिक्टेटरशिप वाले टास्क के दौरान एल्विश यादव को हैंड वॉश मिलाकर पानी जो पिला दिया था, इससे सलमान काफी ज्यादा नाराज भी दिखे। सलमान खान कहते हैं, जिया पानी पिलाना सबसे पवित्र काम माना जाता है और आपने उस पवित्र कार्य में साबुन जोड़ दिया। जिया मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा करना मेरी बहुत बड़ी बेवकूफी थी। सलमान ने तंज कसते हुए कहा कि कोई भी बत्तीसी दिखाते हुए माफी कैसे मांग सकता है। और आगे सलमान ने अन्य घर वालों की भी आलोचना की जो जिया शंकर की इस हरकत को जानते थे, लेकिन उन्होंने इस मामले में कुछ नहीं बोला। सलमान ने जिया से कहा, ये पूरी तरह से आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है। सलमान की फटकार के बाद जिया शंकर ने एल्विश यादव को सॉरी कहा। एल्विश ने भी तुरंत जिया को माफ कर दिया। दरअसल इस हफ्ते एक टास्क में बिग बॉस ने एल्विश यादव को घर का तानाशाह बनाया था। जिया शंकर, अविनाश सचदेव और फलक नाज ने उनके आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया और एल्विश के पानी मांगने पर जिया शंकर ने पानी के ग्लास में हैंड वॉश मिलाकर उनको दे दिया। एल्विश को भी इसका पता नहीं चला। बाद में जिया शंकर को एल्विश को बेवकूफ कहते हुए अविनाश के साथ इस बारे में चर्चा करते हुए और हंसते हुए देखा गया। ये ऑडियंस खास तौर पर एल्विश के फैंस को पसंद नहीं आया, जिन्होंने जिया के अमानवीय व्यवहार की आलोचना की और कार्रवाई की मांग की। वेल, इस पूरे इंसिडेंट के बारे में आप क्या सोच रखते हैं? आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें NBT एंटरटेनमेंट।